स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि कितने ऐसे मल्टीपल्स हैं 4 का जो लाई करते हैं किसके किसके बीच में, तो 10 और 250 के बीच में। ठीक है, कितने ऐसे मल्टीपल्स हैं जो किसका मल्टीपल्स, तो 4 का मल्टीपल्स। ठीक, आपको यहाँ से 5 का पूछेगा, 7 का पूछेगा, किसी का पूछे, बस आप मेथड जान लो, बाकी क्वेश्चन पूछे बन जाएगा। चलिए, तो अब पहले पता करेंगे कि पहला टर्म कौन है जो 4 का मल्टीपल है। तो 10 है क्या, मतलब कि मल्टीपल करने का मतलब आप यूँ कह लो कि टेबल। ठीक है, तो 4 का टेबल में 10 नहीं आता है, 11 ये भी नहीं आता है, 12 हाँ 12 आता है, मतलब कि आपका मिल गया 12। इसके बाद तो आप और आगे लिख सकते हो, इसके बाद 16 में 4 ऐड करते जाओ, आगे मिलते जाएगा। अब आपको लास्ट वाला पता करना है, क्या ये है क्या 4 से पूरा पूरा डिवाइड लग जाएगा क्या, नहीं लगेगा। ठीक है, इससे पीछे आते हैं, तो इससे पीछे कितना आ जाएगा, तो 200 आ जाएगा आपका 49। ये है क्या, ये भी नहीं, 248 ये है क्या, हाँ ये है, यानी कि लास्ट टर्म आपको पता चल गया कि 248 है। चलो, तो अब आराम से निकल जाएगा, कुछ करना नहीं, आपको n पता करना, हाउ मेनी मल्टीपल्स पूछे तो n ही पता करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको n पता करना है, तो a का वैल्यू हो गया 12, d का वैल्यू हो जाएगा 4, और an आपका दिया 248, तो आप n इजी फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला क्या था हमारा, तो फॉर्मूला था ए एन nth टर्म फाइंड करने के लिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। इस पर रख देंगे, आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 248 एन के जगह पर रख दिए। इसके बाद हो गया 12 प्लस एन माइनस वन डी का वैल्यू 4, इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 236 बचेगा। ठीक है, और 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 से डिवाइड करें तो कट रहा है क्या, तो ये कट रहा है 5 बार में 20 और 9 बार में 36, यानी कि हमारा आ गया n माइनस वन इक्वल टू 59 या n इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। ठीक है, यानी कि 60 टर्म है इसमें, 60 टर्म है जो कि 4 का मल्टीपल्स हैं। ठीक है, आए समझ में, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो।